नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत कुमार थानवी फ्रॉम वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग विद भरत कुमार थानवी। आज हम जानेंगे कि एक साउंड इंजीनियर के नजरिए से जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां तक हम बात करें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, डबिंग आर्टिस्ट की या सिंगर की, अगर साउंड इंजीनियर अगर स्टूडियो में नहीं है तो कोई काम नहीं है उनका फिर वहां पे। ओके, सो देखते हैं कि एक साउंड इंजीनियर की नजरिए से, एक टेक्निकल पर्सन की नजरिए से, वो क्या चाहते हैं कि आर्टिस्ट में क्या होना चाहिए। सो हमारे साथ है मिस्टर समीर, जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट एक साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस हम इनके स्टूडियो में लेते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने साथ में किए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है इनके पास। बहुत अच्छे टीवी चैनल्स के साथ भी ये काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं और आगे भी माशाल्लाह करते रहेंगे और बहुत अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स ये करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्टून सीरीज हो गई या सिर्फ कोई म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, हर टाइप की। और ये खुद एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। सो जानते हैं समीर जी से कि इनका क्या रिस्पॉन्स है, इनकी क्या सजेशंस हैं, क्या ओपिनियंस हैं, जहां तक एक आर्टिस्ट जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये समीर जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया है प्रोफेशनली। जी जी, जरूर। सबसे पहले तो मैं भरत थानवी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे टैलेंटेड पर्सन है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। इनके ट्रेनिंग मैंने अभी तक देखे और एज अ साउंड इंजीनियर इनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे सेशन इन्होंने बताए, बहुत सारे आउट ऑफ सेशन के सेशन इन्होंने बताए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम समीर पखाले है और लगभग 2007 में मैंने साउंड इंजीनियरिंग में डिग्री की है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी बड़ा एक एक्सपीरियंस अभी धीरे 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 हमारा काउंट होते जा रहा है। काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट जनरली स्टूडियो में आते हैं तो उसमें अलग अलग वेरिएशन के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, जिसमें कुछ वॉइस ओवर्स होते हैं, कुछ डबिंग्स होते हैं, कुछ म्यूजिक के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ लाइव हमारा रिकॉर्डिंग होता है। तो सबका एक अलग अलग पैटर्न होता है कि वो आर्टिस्ट कैसे माइक को फॉलो करता है, स्पीकर्स को कैसा जजमेंट करता है, हम लोगों को कैसा जजमेंट करता है, हम उनको कुछ कमांडिंग करते हैं तो वो कैसा उसको जजमेंट करते हैं। तो काफ़ी एक हर आर्टिस्ट के साथ में एक अलग हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो जनरली जैसा हम एक पहला जो एक हमारा सब्जेक्ट है वॉइस आर्टिस्ट, तो हम जिसको वीओ बोलते हैं, तो उसमें जो आर्टिस्ट आते हैं तो उनको सबसे पहले तो उनका जो कमांड होता है माइक के साथ, वो कैसा उनका टेम्परामेंट होता है, उसके बाद में एक माइक के साथ टेम्परामेंट मतलब मीन्स माइक के सामने वो खड़े जब होते हैं तो मेल और फीमेल, तो वो कैसा उसके साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि माइक अपने आप में एक स्टूडियो माइक जो होते हैं तो दो टाइप के माइक होते हैं, जैसे एक डायनामिक माइक्रोफोन, एक कंडेंसर माइक्रोफोन। तो माइक जो होता है स्टूडियो माइक्रोफोन, जो कंडेंसर माइक्रोफोन मैं बताना चाहूंगा, ये एक मिरर का तरह होता है कि जैसा हमारे मिरर में हम देखते हैं तो हमारा पूरा चेहरा या हमारी बॉडी पूरी दिखती है, वैसे ही माइक जो है हम साथ भी लेते हैं या कोई इचिंग साउंड या कुछ कपड़े के रैशिंग साउंड वो सारा कैच कर लेता है। जैसे ये मेरी घड़ी है अभी, हाँ, तो ये भी सब, जैसा मैं अभी साउंड भी यहाँ पे कुछ हेडफोन को हाथ लगाओ, ये भी सब कैच कर लेता है। यहाँ पे जैसा हम बोलते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो पिन ड्रॉप मीन्स जो पिन गिरती है तो वो साउंड भी कैच कर लेता है। तो ये माइक होता है। तो एक आर्टिस्ट, व्यू आर्टिस्ट, वो उस माइक के लिए कैसा वो खुद को ढाल लेता है, ट्रीट करता है, क्योंकि बहुत सारे व्यू प्रोजेक्ट होते हैं, वॉइस ओवर प्रोजेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, एड्स होती है, कुछ वीडियो एड्स होती है, कुछ नॉन वीडियोज ऐड होती है, तो उसके सामने वो खुद को कैसा प्रेजेंटेशन करता है, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद बहुत सारे करेक्शन होते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आपका यहाँ पे ब्लो आ गया या यहाँ पे आपको पीछे होके जोर से चिल्लाना है, तो ये सारा ट्रीटमेंट उनको वो समझ में आना चाहिए। वो तो ये सारे हम कमांडिंग करते हैं, साथ में हमारे डायरेक्टर होते हैं, एज अ फॉर एग्जाम्पल आप भरत थानवी जी है, उनको इनका कोई प्रोडक्ट है तो इनको कैसा वो चाहिए, वो वीडियो के साथ में ये इनको आर्टिस्ट से क्या चाहिए वो निकलवाने की कोशिश, क्या इमोशंस, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग, तो ये सब एक ऐसा एक जो डायरेक्टर होते हैं ये सब आप उनका कमांडिंग करते हैं, ये तो वो आर्टिस्ट को ये सारी बातें आनी चाहिए। दूसरा होता है डबिंग पार्ट, तो डबिंग में भी जैसे मूवीज है, शॉर्ट फिल्म्स है, अभी बहुत सारे हम देखते हैं स्टूडियो में कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है कि कोई आर्टिस्ट है, उनका वॉइस, उनका चेहरा अच्छा है बट उनका वॉइस अच्छा नहीं हो पाता है, तो वहां पे फिर दूसरा कोई कैरेक्टर, दूसरा कोई वॉइस आर्टिस्ट अपना वॉइस वहां पे देता है। तो ये भी बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है और काफी
ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ये बहुत फेमस कंसेप्ट है ये, क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड ये वो बहुत सारा हर जगह वॉइस डबिंग का काम होता ही है. तो वो जो डबिंग आर्टिस्ट है, जो डबिंग आर्टिस्ट या वहाँ पे अपना वॉइस देते हैं, तो उनको उस जो टेक्चर है, जो मूवी है, तो उसके लिए वो कितना उसके लिए कैपेबल है, उस कैरेक्टर में कितना वो ढल पाते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए. तो ये एकदम से आने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत, प्रैक्टिस, काफ़ी एक घर पे आप कितना रियाज करते हो, कितना सुनते हो, कितना देखते हो, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद उनका कितना उनको अपने आप पे कर पाते हो, उनके जो टेक्निक्स है वो कैसा ग्रैप कर पाते हो, ये सारी बातें होती है. तो एक डबिंग आर्टिस्ट को थोड़ा मेहनत का काम है, व्यू आर्टिस्ट को भी थोड़ा मेहनत का काम है. तो ये हमारी एक फील्ड. अभी थर्ड जो कंटेंट है वो सिंगर, एज अ सिंगर. तो स्टूडियो में जो सिंगर आते हैं, तो हमें पता है कि सिंगिंग अपने आप में तो जल्दी आ नहीं पाती है, उसके लिए रियाज करना ही पड़ता है. कुछ साज होते हैं, हारमोनियम, तबला, रिथम वगैरह जो सेक्शन है, इनके साथ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम उस टेम्पो में हम अपने आप को बैठा पाते हैं और वो सिंगिंग हो पाती है. तो उस वक्त क्या होता है कि जब कोई सिंगर है तो उसको क्लासिकल नॉलेज, अगर वो वेस्टर्न है तो वेस्टर्न का नॉलेज होना चाहिए, वेस्टर्न नोटेशन का, म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए. तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो भी हमारे सॉन्ग्स होते हैं या जो भी हमारा म्यूजिक फाइल है, तो उसके साथ वो अपना अपने आप को कॉम्बिनेट करना उसे आना चाहिए. नहीं तो कभी कभी जनरली होता है कि हम यहाँ पे ट्रैक प्ले कर देते हैं तो उनका सुर का ही अलग चले जाता है या टेम्पो से आउट हो जाते हैं. तो फिर वो ये सारी बातें उनको आनी चाहिए. तो जनरली एक एज अ म्यूजिशियन, मैं म्यूजिशियन भी हूँ एज अ साउंड इंजीनियर, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती है. और जो आर्टिस्ट या जो क्लाइंट है उनको भी हमें बहुत प्यार से लेके ये सारी चीजें ऑपरेट करनी पड़ती हैं. तो ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है. ओके, बाप रे, एकदम जड़ी लगा दी इन्होंने एक साथ. ओके, सो कुछ चीजें ऐसे मैं जानना चाहूंगा इंडिविजुअली. जी, जैसे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट आता है. जी, ठीक है. जब स्क्रिप्ट हाथ में लेता है ना, फिर माइक पे आता है. जी, ओके. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो चाहते हो, ठीक है, उस तरह का साउंड नहीं आ पाता है. जी, जी. देखो, ये तो क्रिएटिव चीज है, ये लिख के हम किसी को समझा नहीं सकते, नहीं समझा सकते, है ना. वो तो फीलिंग्स, इमोशंस, है ना. तो आप फिर कैसे निकलवाते हो उनसे? जैसे अगर कोई टीवी कमर्शियल है. जी. है ना, अगर मैं कोई टीवी कमर्शियल कर रहा हूँ और बहुत सीरियस टोन चाहिए. जी, जी. अब टोन मेरी सीरियस आ रही, लेकिन जितनी सीरियस आपको चाहिए उतनी नहीं आ रही. तो आप कैसे उनको मोटिवेट करते हो, कैसे निकलवाते हो उनसे? एक मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डबिंग प्रोजेक्ट है, उसमें कोई रोने का सीन या कोई सैड सीन है या कुछ गंभीर अवस्था में कोई ऐसा वीडियो हमारे सामने आता है. तो हम आर्टिस्ट को बोलते हैं कि सर, ये आपको इस टेम्परामेंट में जाके आपको ये चीज़ यहाँ पे ये इमोशन पैदा करना है. अभी इमोशन या फीलिंग ऐसी चीज़ है कि इसका कोई थ्योरी नहीं है या इसका कोई ऐसे नोट्स नहीं है कि हम ये किसी के अंदर जाके बता. हाँ, मतलब हम पढ़ के इमोशन नहीं ला सकते, ला नहीं सकते. ह्यूमन फीलिंग्स तो हमें अंदर से. अभी वो कैसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट है तो वो पढ़ने के बाद वो आर्टिस्ट को खुद एक जज करना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मुझे किस तरह का वॉइस देना है, जो सीन है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना ये प्रैक्टिकली वो वर्क करना है वहाँ पे. तो ये सारी चीजें अगर नहीं हो पाता है, जनरली कभी कभी नहीं हो पाता है, कोई अच्छे आर्टिस्ट से भी नहीं हो पाता है, तो हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा उनको बुला लेते हैं हमारे वो रूम में, बुला लेते हैं मॉनिटर रूम में, उनको वीडियो दिखाते हैं 2-3 बार, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जितना अभी इतना सालों का हमारा जो एक प्रैक्टिस है, तो हम उनको थोड़ा सा बताते हैं कि सर, ये देखो, ये ऐसे इमोशंस आप ला सकते हो इसमें, थोड़ा हम भी अपने आप को एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा उनको जजमेंट करते हैं. आपको डायरेक्ट करना ही पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी है. एक तो हमें साउंड लेवल देखनी है, फ्रीक्वेंसी बराबर आ रही है वो देखनी है, उनका ब्लोज या कुछ ऐसे साउंडिंग जो है, नॉइस जो साउंड आते हैं ये भी नहीं आने चाहिए, और साथ में इमोशन जो है सारे कंटिन्यू होने चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं. तो ये हम धीरे धीरे उनको समझाते हैं, कभी टाइम भी लगता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि जैसे कोई क्लाइंट आते हैं तो एक जो हमारा स्टूडियो का टाइम है, स्टूडियो आवर्स है, इसी में सारा वो जो कोई किसी क्लाइंट का पैकेज होता है, किसी क्लाइंट का बजट के हिसाब से हमें वो सारी चीजें करनी होती है. अब कुछ चाहते हैं कि एक घंटे में उनको सारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है, तो उस वक्त थोड़ा फास्ट भी करना है, तो फिर अच्छे आर्टिस्ट को ही हम बुलाते हैं. अगर कोई थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है, मूवी है, सीरियल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हम कर सकते हैं कि चलो ये नहीं तो वो ऐसा हो सकता है मैनेज. तो ये सारी चीजें हैं. ओके, फाइन. सो दोस्तों, आपने देखा कि
फीलिंग्स इमोशंस तो निकलवानी ही है, लेकिन बजट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, राइट? क्योंकि देखो हर चीज पैसा बोलता है, सबसे बड़ा रुपया, ओके? तो जो भी क्लाइंट का बजट होता है उस हिसाब से उसी टाइम फ्रेम में जितनी ज्यादा चीजें हम निकलवा पाए उतना अच्छा, नहीं तो क्लाइंट का बजट बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ओके? ओके, तो ये तो रही वॉइस ओवर्स की बात। अब आते हैं हम डबिंग आर्टिस्ट, ठीक है? डबिंग आर्टिस्ट जो अलग अलग तरीके की वॉइसेस देते हैं, ठीक है, कार्टून्स में वॉइसेस देते हैं, मूवीज में कैरेक्टर्स, है ना? तो ऐसी क्या चीज है, खास करके जो नए लोग हैं, जी जी, ठीक है, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? अब बहुत बार मैंने देखा है कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या कहीं छोटा मोटा कहीं उन्हें चांस मिल गया किसी रूप से, लेकिन वो जब एक्चुअल में जब आते हैं अनजान लोगों के सामने, अनजान स्क्रिप्ट, अनजान वीडियो, अनजान स्टूडियो, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या रीजन होता है बेसिकली? नए लोगों का मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे मैं एज अ प्रोजेक्ट डिजाइन भी करता हूँ, छोटे मोटे मेरे पास प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उनको मैं डिजाइन करता हूँ, वॉइस जो मॉड्यूलेशन होता है, तो मैं आर्टिस्ट लोगों को भी मैं फाइनलाइज करता हूँ कि ये मेरा एनिमेशन है या ये मेरा मूवी है, तो उनके लिए मैं अलग अलग आर्टिस्ट को मैं जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट है उनको मैं वहाँ पे मैनेज करता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि कभी कोई नए आर्टिस्ट आते हैं, डबिंग आर्टिस्ट आते हैं, तो उनके साथ सबसे पहले तो उनको उतना वो नॉलेज होता नहीं है, एक जो ट्रेनिंग होना चाहिए वो ट्रेनिंग उनका कंप्लीट होता नहीं है। फिर हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, हम उनको बताते हैं कि सर ये आपका वॉइस थोड़ा शार्प हो रहा है या आपका थोड़ा फ्लैट जा रहा है, तो ये जो कमांड है ये उनको समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग मैंने देखे हाई पिच और बेस वॉइस में भी उन्हें डिफरेंस पता नहीं होता है बहुत बार ऐसा, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ भी होती है क्योंकि हमारा जो बजट होता है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि हमारा जो एक टाइम पीरियड होता है उसी में हमें वो कंप्लीट करना है, तो उस वक्त नए आर्टिस्ट के साथ हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है कि अरे यार तुम आए तो तुम्हें ये नॉलेज होना चाहिए, तो कभी कभी फिर एक ही लाइन को वो बार बार 15-20 मिनट चले जाते हैं, टेक देते रहते हैं, तो वो फिर भी सही नहीं आती, फिर भी सही नहीं आता है, फिर हमें भी थोड़ा सा फिर कभी उनको निगलेक्ट भी करना पड़ता है, फिर उनको हम अपने रूम में बुला के कि सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सारी चीजें समझा, फिर भी वो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। तो ये उसके लिए एक प्रॉपर वे से अगर आपका अच्छा प्रैक्टिकल है, अच्छा ट्रेनिंग आपने लिया है, तो एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। नहीं तो वही है कि सर आपका बेस नहीं आ रहा है, सर आपका हाइज नहीं आ रहा है, चिल्लाने का पार्ट हो तो वो माइक के सामने चिल्लाते तो आवाज वहां फट जाती है, ब्लो हो जाती है, क्रैक हो जाती है, फिर वो मिक्सिंग में हमें काफी तकलीफ होती है, तो ये सारी चीजें होती है डबिंग में। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां तक वॉइस ओवर डबिंग की बात है, जैसे अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे आपकी डिक्शन, प्रोनंसिएशन, उच्चारण जिसे हम कहते हैं, क्लैरिटी, वॉइसेस चेंज करना, है ना, थ्रो होना अपनी वॉइस का, स्क्रिप्ट को समझना, पढ़ना, ठीक है, सही जगह पे पॉज देना, एक्सप्रेशन फीलिंग देना, लेकिन इन सब में आपको कौन सी चीज ऐसे लगती है कि कम से, चलो कुछ कुछ चीजें किसी आर्टिस्ट में नहीं, लेकिन ये चीज तो होनी ही चाहिए उसमें? मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो डिक्शन है और प्रोनाउंसिएशन जो है, ये दो तीन चीजें अगर आप थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करते हो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे जो आपकी कमांडिंग है, जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये धीरे धीरे आप कैच कर सकते, डेवलप कर सकते हो। बट ये जो प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन जो है, ये उच्चारण जो है, क्योंकि बहुत सी हिंदी स्क्रिप्ट है कि उसपे कुछ उर्दू के वर्ड्स होते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड है तो उनको भी बोलने का तरीका अलग है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं, कोई सीनियर एजेड स्टूडेंट भी है, तो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो एकदम फॉरेन जैसा वो अपना वॉइस सैंपल लेते हैं, जानबूझकर जबरदस्ती, उन्हें लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो अच्छा है, बहुत भारी इंग्लिश है मेरा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो काफी उस वक्त हमें भी लगता है कि अरे ये तो कुछ अलग ही, हमें जो चाहिए उससे कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो उनको सारी ये बातें हमें बतानी पड़ती है। इवन जैसे परसों हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो एक लाइन थी आई वेंट टू द बीच, और जो आर्टिस्ट थे, हालांकि उन्होंने लिखी है स्क्रिप्ट अपने, ठीक है, तो वो बोल रहे थे आई वेंट टू द बीच, तो अब इसमें पूरा मीनिंग ही अलग हो जाता है, बीच का मतलब अलग होता है, बीच का मतलब अलग होता है ना, जैसा जुहू बीच है वो उस तरीके की लाइन थी, लेकिन उन्होंने बीच बोल दिया। कुछ ऐसे प्रोनंसिएशन, कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत बार ऐसे स्क्रिप्ट आते हैं, खास करके जब हम लोग वॉइस ओवर्स करते हैं, जहाँ पे मेडिकल टर्म्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल टर्म्स, उस टाइप की चीजें हम लोग, सब टेक्निक होता है वो सब बोलने का, तो वो थोड़ा अच्छा अगर आप रियाज करके आते हो
स्क्रिप्ट अगर 8-10 बार पढ़ के आते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। मतलब आपके हिसाब से डिक्शन, उच्चारण ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हम यहाँ बता सकते हैं उनको, वो इमोशंस फीलिंग थोड़ा सा हम बता सकते हो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन एडिक्शन और प्रोनाउंसिएशन के लिए हम अगर मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्टूडियो टाइम जाएगा, तो वहाँ पे क्लाइंट और एज अ आर्टिस्ट साउंड इंजीनियर सबको तकलीफ होती है फिर उस वक्त। राइट राइट, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं फल फूल हाँ। तो रिजेक्ट हो जाता है, तो फल फूल होता है, फ साउंड होता है हिंदी में, फ नहीं है साउंड जी, है ना। ओके फाइन, अब ये हो गई डबिंग आर्टिस्ट की बात, अब वापस आते हैं सिंगर्स पे। जैसे आपने डिक्शन तो कहा ही जी, है ना, कि किसी गाने में अगर उसने बोल दिया तेरी फिजा में, है ना, तो आपको वही पता चल जाता होगा कि ये सिंगर किस लेवल का है। ओके, तो सिंगिंग में चलो डिक्शन तो है ही, उसके अलावा आपको और क्या चाहिए होता है एज अ साउंड इंजीनियर, एज अ रिकॉर्डिस्ट? एज अ इंजीनियर जो मेरा जितना प्रैक्टिकल वर्क है अभी तक मैं करते आ रहा हूँ, मेरा बेसिकली तो म्यूजिक फील्ड है, उसके साथ में मैं बाकी सब ये सब्जेक्ट पे भी ध्यान देता हूँ। तो सिंगर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज अ वीओ आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट से थोड़ा सा एक अलग उनका टेक्निक है, क्योंकि सिंगर को सबसे पहले तो जो गाना है, जो भी सॉन्ग है, जो भी म्यूजिक है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। अब वो गाना सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, जनरल म्यूजिक भी हो सकता है, तो उस हिसाब से उनका वो परफॉर्मेंस होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात उनको ये है कि उनको म्यूजिक का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब म्यूजिक में बहुत डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिक है, हमारे इंडिया में, भारत में इतने अलग अलग टाइप के म्यूजिक है, तो जैसी भाषा उस टाइप का सिंगिंग पैटर्न होता है, तो वो उनको वो आना चाहिए जो भी है। अभी बहुत सारे मराठी सिंगर है जो राजस्थानी भी गाना गाते हैं, जो कुछ राजस्थानी सिंगर है जो पंजाबी गाना गाते हैं, तो उनको वहाँ का टेक्निक वो पता होना चाहिए। तो ये सारी अगर चीजें आप पता करते हो, आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में करते हो, तो ऑब्वियसली आपको आपका जो भी गाना है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो अच्छा ही होगा। और उसके बाद स्टूडियो में जैसा तीनों में भी एक चीज जो कॉमन है, माइक टेक्निक, जो परफॉर्मेंस है ये चीज, लेकिन इसका टेक्निक अलग है। तीनों चीजें में माइक कॉमन चीज है, बस इसका टेक्निक अलग अलग है, वीओ में, डबिंग में, सिंगिंग में। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि हमें कितना डिस्टेंस रखना है, हम कितना थ्रो करेंगे तो वहां पे ब्लो नहीं आएगा, या जैसा भी आपने बोला कि फिजा, तो ये जो वर्ड है, ये जो कहीं उर्दू वर्ड आते हैं या हिंदी वर्ड आते हैं, तो उनको कैसा बोलना है हमें, ये सारी चीजें अगर वो दुरुस्त करते हैं तो ऑब्वियसली उनका धीरे धीरे उनको एक अच्छे लेवल पे वो जा सकते हैं। राइट, अभी सिंगर्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे जो रिलेटिव्स भी मिलते हैं कि जो सिंगर्स लोग गाते हैं उनकी नेचुरल वॉइस होती है क्या ऐसे, ये तो सब कंप्यूटर से हो जाता है, तो कंप्यूटर से कितना होता है और एक्चुअल में अच्छे सिंगर की क्या सच में जरूरत होती है, या कंप्यूटर से सब हो जाता है सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे ऑटो ट्यून है, मेलेडाइन जिसे कहते हैं? जी जी, एक्चुअली क्या है कि ये सारे टेक्निकल वर्ड है, लोगों को बहुत कम जानकारी है, उनको पता है कि आजकल जो टेक्निक आई है उससे सारी चीजें हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। आप सिंगिंग, डबिंग या वॉइस मॉड्यूलेशन जो भी है, वीओ हमारा जो होता है, उसके लिए आपका नेचुरल एक बेस पक्का होना चाहिए, आपका एक नेचुरल वॉइस होना चाहिए। ओके, रियाज होना ही चाहिए। अगर आप 60% एक अच्छा लेवल आप अगर देते हो हमें, अच्छे लेवल का आप हमें परफॉर्मेंस देते हो, अबव एवरेज होना चाहिए, हाँ, तो 40% जो है उसमें से 30% हम मिक्सिंग और 10% हम मास्टरिंग में हम सारा कवर कर सकते हैं। अब रही बात निखार सकते। अब रही बात ऑटोट्यून या मेलोडाइन, तो ऑटोट्यून और मेलोडाइन इनका काम थोड़ा अलग है। अगर कोई अच्छे से अच्छे जो सिंगर होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि उन एक सुर से दूसरे सुर के बीच में 3 नोट्स होते हैं जिनको हम श्रुतियां बोलते हैं, तो वो श्रुति भी हम लोग, हमारा भी इतना काम हमने किया है कि हम वो पकड़ लेते हैं, जो हारमोनियम पे या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट पे आपको दिखेगी नहीं, उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिकल उन्होंने कोई नोट दिया नहीं है, तो वो श्रुति हम हमारे रियाज से इतना काम किया तो हम वो पकड़ लेते, तो हम उनको बताते हैं कि सर आपका यहाँ पे नोट फ्लैट हो गया है या शार्प हो गया है। फिर भी कभी कभी अच्छे सिंगर भी, जो अच्छे परफॉर्मर है, अच्छे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखे, वो वहां पे वो चीज मिसिंग हो जाती है। तो जब हम फाइनल मिक्सिंग करते हैं 1-2 दिन के बाद में, एक प्रॉपर माइंड पूरा हमारा, जो जैसा आज डबिंग हुआ तो आज हम मिक्सिंग नहीं करेंगे, हम 2 दिन के बाद करते, तो वहां पे क्या हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमारे कान में बैठी हुई है वो सब साइलेंट हो जाती है और फ्रेश माइंड से तो उस दिन हमें पता चलता है कि उनकी कहां कहां गलतियां हुई है। तो उस वक्त तो हम एक नेचुरल तरीके से, हमारे डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है हमारे, उसमें कुछ ऐसे टेक्निक दिए कि वहां से प्रीसेट दिए, हम वहां से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर वो लास्ट मोमेंट तक वो ठीक नहीं हो पाता है, तो हम वहां पे ऑटोट्यून यूज करते हैं, तो ऑटोट्यून वहां पे जो परफेक्ट सुर है
उसी को वो ठीक कर देता है, पूरे गाने में पूरे ट्रैक में अगर हमने वॉइस में ऑटोट्यून लगाया तो जो ठीक वॉइस है, जो परफेक्ट वॉइस है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि जहां पे आपका वॉइस शार्प और फ्लैट हुआ है वो उसी को ठीक कर देता है. एज कम्पेयर मेलोडाइन ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, अच्छे अच्छे को उन्होंने जो गाना गा भी नहीं सकते उनको भी गाना गवा दिए है. फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार है, संजय दत्त है और सलमान खान जी है. तो इन्होंने अगर आप कोई भी गाना है कि मैं वहां जा रहा था मैं ये कर रहा था, इसको भी आप मैं वहां जा रहा था मैं ये एक ट्यून में ला सकते, ट्यून में ला सकते हो सुर में. हाँ, लेकिन इसके लिए एक साउंड इंजीनियर को, एक म्यूजिशियन को, एक म्यूजिक अरेंजर डायरेक्टर को मेलोडाइन का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और शास्त्रीय संगीत का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए. लेकिन क्या फिर जैसे आपने कहा बड़े बड़े एक्टर्स ने गाने गाए हैं जी, ठीक है, लेकिन ये तो सीखे हुए नहीं है जी, तो बिना सीखे भी हम स्टार बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम जैसा बचपन, जब से हमने जन्म लिया है तो जब हमें समझ आती है 5-6 साल के बाद में या 3 साल से हम घर में पोएम सुनते आते हैं, फिर धीरे धीरे हम गाने सुनने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक आर्टिस्ट तो होता है जो खरी हमारे लिए होता है. धीरे धीरे हम जैसा परफॉर्मेंस करते हैं हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, तो हम अपने लेवल पे आते हैं, तो हमारे अंदर का जो कलाकार है हम उस वक्त बाहर आ भी सकता है, हम ला सकते हैं. और थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ऑब्वियसली हमें परफॉर्मेंस करने से कोई रोक नहीं सकता है. हाँ, वो तो है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है शास्त्रीय संगीत की, और भी आपने देखा जैसे रियाज वगैरह चल रहा है, और कोई एक्स वाई जेड पर्सन जिसने कुछ सीखा ही नहीं है जी, अगर हम दोनों एक गाना गाएं जी, आप दोनों को उसी लेवल पे ला सकते हो? उतना तो नहीं ला सकते, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडियो में तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज करके हम वॉइस को एनहांस कर सकते हैं, सिंगिंग सुर में ला सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सच में सिंगिंग स्टार बनना है तो लाइव जब वो परफॉर्म करेंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है. तब तो सारी चीजें सामने, लोगों के सामने आई जाती है, क्योंकि स्टूडियो में हम इतना ट्रीटमेंट करते हैं, एक लाइन को हम 50 बार 100 बार टेक कर सकते हैं, लेकिन लाइव में तो सारे सुर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो सारा पता चलेगा, क्योंकि एक मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बोलो या इनकम है सिंगर्स को लाइव शो से ही होता है. स्टूडियो में तो उनका एक वॉइस जो है वो पॉलिश होके वो कैसा लोगों के सामने उसका प्रेजेंट हो पाएगा, या फ्यूचर में वो कैसा उनका बड़ा कोई प्लेबैक सिंगिंग उनको ऑफर होता है तो वो कैसा कर पाएंगे, उसके लिए हम स्टूडियो वो अपने आप को जज कर सकते हैं. लेकिन मेन चीज जो है वो तो लाइव सिंगिंग ही है, वहां पे वो अपने उनका जो भी उन्होंने सीखा है वो लोगों के सामने कैसा करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वो तभी पता चलेगा वो सारी चीज. राइट, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल जी, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मेरी आवाज वॉइस ओवर के लिए ठीक लग रही है आपको, या डबिंग के लिए जी, या सिंगिंग के लिए. हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है 2016 में कि हमारी आवाज अच्छी है या बुरी, इससे ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अच्छी है या बुरी, लेकिन उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं. तो आपका क्या कहना है कि एक पर्टिकुलर टाइप की वॉइस होनी चाहिए वीओ के लिए या डबिंग के लिए या सिंगिंग के लिए, या कोई भी बन सकता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा 50-50 बोलना चाहूंगा कि कलाकार तो सबके अंदर होता है, अब वो कलाकारी जो है या उनका जो नॉलेज है वो किस प्लेटफॉर्म के लिए वो यूज करते हैं वो भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारी जो साउंड इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है, इसके अंदर लाइव साउंड है, जैसा मैं मेरी सब्जेक्ट का बोलूँ तो लाइव साउंड है, रिकॉर्डिंग सिंगिंग रिकॉर्डिंग्स है, म्यूजिशियंस है, अरेंजमेंट है, कंपोजिशन है, तो वॉइस के लिए भी जैसा कोई व्यू उसमें स्पेशलाइज करता है, कोई डबिंग में स्पेशलाइज करता है, कोई सिंगिंग में स्पेशलाइज करता है, कोई एंकरिंग में स्पेशलाइज करते हैं जो लाइव एंकरिंग ही करते हैं बट स्टूडियो भी कर नहीं पाते, तो ये सारे एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए हम अपने अंदर हम क्या नॉलेज है और हम कितना कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि अपने आप को परखना चाहिए उन्होंने. तो ऐसा मैं मानता हूँ. मतलब क्या ऐसा कुछ है कि सिंगर बनना है तो सोनू निगम की तरह ही वॉइस होनी चाहिए या अरिजीत सिंह जैसी ही वॉइस होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर के अंदर अपना एक हुनर होता है, एक अपनी खुद की आवाज, ओरिजिनलिटी होती है. अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले मैं अंधेरी में एक स्टूडियो में काम कर रहा था, और इंटरवल में हमारा जो ब्रेक हुआ, सेशन ब्रेक सेशन हुआ, तो उसमें हम लोग थोड़ा चाय पीने के लिए गए, तो सैंडविच वाले के पास हम सैंडविच खा रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल है. तो हम
जस्ट डबिंग करके बाहर निकले थे और जस्ट वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग बेस वॉइस के लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं, शार्प वॉइस के लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं, मिड वॉइस के लिए. तो थोड़ी देर बाद हमने ऑर्डर दिया सैंडविच वाले को और उसने बोला सौप जी क्या खाओगे आप. तो जैसा अभी उसने अपने आप को तो अभी तक पहचाना नहीं क्योंकि वो सैंडविच ही बनाने में व्यस्त है, उसका उतना ही सोच है. बट उसका जब हमने वॉइस सुना तो हम अपने आप से डिस्कस कर रहे थे हम दोनों पर्सन कि यार इसका वॉइस इतना बेसी है लेकिन ये उसको स्टूडियो या ये जो फील्ड है ये अनजान है, ये इसको ये पता ही नहीं है कि ये टैलेंट वहां काम में आ सकता है. टैलेंट आ सकता है तो हमें लगा भी कि हम उसके बोले कि भाई देखो हमारी ये फील्ड है कभी आओ. लेकिन एक जो कैटेगरी होती है या एक जो नॉलेज होता है वो उसका नॉलेज वहां तक सीमित है, हमारा नॉलेज वहां तक एक्सपोजर नहीं है या किसी ने उसको उसके लिए बताया नहीं उसका नहीं है. तो ये सारी चीजें होती है. तो कभी कभी एक ऐसा हिडन टैलेंट भी होता है जो हम पहचान नहीं पाते या कोई बताने वाला हो तभी वो सामने आता है. इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ. जैसे मैंने कॉलेज समय में एंकरिंग और मिमिक्री में करता था तो मुझे तो वॉइस ओवर्स और डबिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना मैं मुंबई से हूँ. तभी किसी ने बताया कि आप वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हो. जी. तो इस तरीके से और काफी सारे ऐसे रिलेटिव्स भी हैं हमारे जो कुछ कुछ लोग अभी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं. उन्हें भी पता नहीं था कि उनकी वॉइस यहाँ पे काम में आ सकती है. कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे कार्टून की नकल करते रहते हैं है ना, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये भी एक करियर ऑप्शन है. तो ये सही बात है आपकी. ठीक है. सो दोस्तों ये थे समीर जिन्होंने इतना समय दिया हमें इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए और मुझे लगा नहीं था इतना लंबा वीडियो बनेगा. मैंने इनको बोला था आप सिर्फ 4-5 मिनट दे दीजिए आपके, क्योंकि आपके तरफ से मतलब एक एज अ टेक्निकल पर्सन आप एक आर्टिस्ट में क्या चाहते हो, क्या स्किल्स होने चाहिए वो आप जरा शेयर कीजिए. सो थैंक यू सो मच समीर कि आपने इतनी सारी बातें शेयर की और आपका टाइम खोटी नहीं हो रहा है ना. बिल्कुल नहीं. ओके. और भी अगर आपको कुछ कहना है तो जरूर हम कोई और वीडियो में जरूर हम कहेंगे. अभी आपकी कुछ रिकॉर्डिंग भी आपने जैसे बताया. ठीक है. सो थैंक यू सो मच समीर जी और बहुत इन्होंने कीमती समय अपना दिया. सो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, एंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी, रेडियो प्रेजेंटर बनने में, सो आप हमारी वेबसाइट www.voicemodulationtraining.com पर जाके अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं. और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं इन टॉपिक्स पे और आपकी और सहायता लगेगी हमें. जरूर जरूर. यस. सो टिल देन बाय बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस. जय हिंद. Thank you.